हाय फ्रेंड, आज हम बनाने वाले ये पोस्टर कैरेक्टर बैग जो मैंने पहना हूँ। ये ऐसा रहेगा, हमारा बैक साइड से भी है, ऐसा रहेगा पूरा। ये उन लोग के काम में आएगा जो ऑफिस में बैठे रहते हैं या जो कंप्यूटर के सामने ज्यादा बैठते हैं, जो ऐसा झुकने लग जाते हैं इनके शोल्डर, और ये टमी भी बाहर निकलने से थोड़ा रोकता है, पर ये हमको ऐसा सीधा रखे रहता है जिससे ये हमारे को झुकने नहीं देगा ऐसा। ये ऑनलाइन पे कम से कम 500 रुपए से 300 रुपए का अवेलेबल है, हम इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। 100 रुपए से भी कम में ही पड़ेगा ये। ये मैंने भी पहली बार ट्राई किया हूँ, इसमें मेरे से भी थोड़ी बहुत गलती हुई, आगे वीडियो में आप देख सकते हो कटिंग किया हो। मेरे पास एक पहले से था अवेलेबल, तो मैंने उसको ही देख के, पर वो छोटा था तो मैंने इसको बड़ा बनाया हूँ अपने साइज का, ऐसे बनाया हूँ। ये आपके लिए बहुत काफी फायदेमंद रहेगा, आप भी अपने घर पे एक जरूर बनाइए, सभी के लिए काम में आ सकता है ये। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये हमारा ये जो बेल्ट है, हम जिसको बनाने वाले है हम अपने सादे पट्टे में, लेकिन इसको पहले हम नाप लेंगे। जो ये बेल्ट है हमारा, तो ये मेरा तो छोटे साइज का है अभी, इसको हम बनाएंगे अपने हिसाब से बड़े साइज का। तो इसके लिए पहले इसको नाप लेंगे कितना इसका साइज आ रहा है, जितना भी आएगा उससे बड़ा ही लेंगे। ये आ रहा है जैसे 39 आ रहा है, लेकिन हम इसको ले लेंगे 45 कर लेंगे। ये आला जो है हमारा यहाँ पे, ये 45 ले लेंगे इसका, और इसको भी नाप लेंगे यहाँ से ये बड़ा कर लेंगे, 16 इंची कर लेंगे यहाँ से। एक ये बीच में डाल देंगे थोड़ा सा, और ये एक साइड से डाल देंगे यहाँ से, ऐसे इसको गिन लेते हैं। ये एक ले लेंगे हम ऐसे 45 इंची का, ये जो रहेगा हमारा। इसको यहाँ पे दो बेल्ट रहेंगे जो हमारे 38 साइज के लेंगे दो, और एक रहेगा 16 का। ये काट लेंगे हम पहले यहाँ से यहाँ तक के लिए, और इसके अंदर हमने ये लगा हुआ है हमारा डी बक्कल जो है, इसको ये जो है ये एडजस्टमेंट के लिए रहेगा, छोटा बड़ा कर सकते है इसके लिए। इसको बोलते है डी, इसको बोलते है बक्कल, ये जो एच कड़ी एच कड़ी भी बोलते है इसको, ऐसा रहेगा। पहले हम अपना बेल्ट काट लेते हैं। ये हमारी चक्री रहेंगी, ये पूरी निवार की है। हम इसमें लेने वाले जो ये निवार का नाम है ट्रैक्टर निवार, ये काफी मोटी रहती है, मजबूत भी रहती है, ये ऐसी रहेगी। इसको हम काट लेते हैं जितना भी हमने साइज लिया अपने हिसाब से भी बड़ा बनाने के लिए। तो एक 45 इंची का काट लेंगे, दो 38 का, एक 16 का। ये हो गया, ये सबको अब हम एक चिराग से जला लेंगे, या तो मोमबत्ती से, किसी भी चीज से, ये जो है ये जिससे हमारा खुलेगा नहीं। तो ये दो 3-3 इंची के काट लेंगे यहाँ से, जिसमें वो हम बक्कल लगाएंगे। तो ये एक ऐसे, ये दूसरा भी काट लेंगे, ये दो हो गए हमारे। एक ले लेंगे मोमबत्ती, इसको जला लेंगे थोड़ा सा, जो जिससे ये हमारा ऐसे जला लेंगे। और ये जो हमारा रहेगा, ये दो बक्कल रहेगा, ये दो रहेगा ऐसा, ये चार रहेगा, तो ये दो में ये ऐसा डाल के जला लेंगे इसको। ये हमारा ये चिपक जाएगा, ये देख सकते हैं इसके अंदर, ये ऐसा दोनों हो गया। और ये जो हमने जलाए काटे हैं, इसको भी जला लेते हैं।
ये हो गया हमारा भी जल के पूरा कटिंग हो गई हमारी अभी। अब हम इसको मशीन पे जाके इसको सिलाई कर लेते। ये थोड़ा आजू बाजू को थोड़ा इग्नोर कर देना, आज ज्यादा ही कचरा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये ले लेंगे ऐसा एक जो है हमारा 45 इंची वाला बेल्ट लेंगे। यहाँ पे एक कड़ी सिल लेंगे ये, जिससे ये हमारा एडजस्टेबल रहेगा। यहाँ पे डाल के यहाँ एक इसमें सिलाई कर देंगे हम। इसको एकदम छोटा टाका करके सिल देंगे जिससे ये हमारा खुलेगा नहीं। ये हमारा सिल गया ऐसा, ये हो गया यहाँ पे बेल्ट समझ लो हमारा ये तैयार ऐसा। अब इसके अंदर हम सिलेंगे सबसे पहले तो ये 16 इंची का, इसको ऐसा हाफ करके इसका जगह देख लेंगे कहाँ पे इसको सिलना है, जो हमारे बिल्कुल पीछे में आए सेंटर में। ये हमने कड़ी सिलने के बाद जो है इसको यहाँ से हम यहाँ तक गिन लेंगे इसका जो हमारा सेंटर आएगा। तो पहले मैं इसको गिन ले रहा हूँ, यहाँ से ले लेना है 18.5 इंची ले लेंगे। यहाँ से 18 पे एक पट्टा मारना है जो हमने 16 इंची का काटा है याला, इसको यहाँ 18 इंची पे रख के ऐसा सिल देंगे सीधा यहाँ से। एक ये इसको रख लिया हमने, इसमें अब चारों तरफ से सिल देंगे जिससे ये हमारा पक्का हो जाएगा। ये ऐसा भी हमारे सिल गया है यहाँ पे। ये मैंने स्क्वायर भी बना दिया वैसा जिससे ये मजबूत हो जाएगा ज्यादा ही। ये होने के बाद यहाँ पे फिर इसके यहाँ पे बाजू में एक पट्टा सिलेंगे जो हमारा 38 का है, और एक इस साइड सिल लेंगे दोनों तरफ में। ये हमारा 38 इंची का जो है इसको यहाँ पे रखेंगे अभी एक साइड, यहाँ से थोड़ी सी गैप छोड़ देंगे हम यहाँ पे, इस पे सिलाई कर लेंगे और एक रहेगा इसके यहाँ पे, जितनी यहाँ पे गैप है उतनी यहाँ पर भी छोड़ देंगे और सिलाई कर लेंगे ऐसे तीनों बेल्ट हमारे। ये हमारा ऐसा हो गया, ये तीनों सिल गए यहाँ पे बेल्ट। अब इनको जोड़ने के लिए इसके बीच में एक पट्टी मार देंगे हम सीधी सीधी यहाँ पे। ये जो है हमारी ये ऐसा सीधा आ रहा है, यहाँ पे एक बेल्ट मार देंगे जिससे ये भी हमारा ऐसा सीधा तीनों मिल जाएंगे यहाँ पे। ये तीनों के लिए अब एक हम 6 इंची की ऐसी एक पट्टी ले लेंगे, ये रहेंगी यहाँ पे, और इसको ये यहाँ से सिलाई कर लेंगे इसमें यहाँ से ऐसे, तो जिससे ये हमारा ऐसा सीधा हो जाएगा, ये यहाँ से फोल्ड नहीं होगा, ये हमारे को पकड़े रहेगा।
ये ऐसा भी हमारे सिल गया है, यहाँ का भी ऊपर का सिल गया अभी ये तीनों, और ये नीचे का भी हो गया ऐसा। अब इसके ऊपर बाद में हम यहाँ पे एक जो हमने ये ऐसे वाले सिले थे, ये चिपकाए थे जो ऐसा, इसके अंदर ये दो है हमारे, तो ये दोनों यहाँ पे लगाएंगे हम, जो हमारा ऊपर का साइड रहेगा तो यहाँ थोड़ा थोड़ी दूरी पे लगा लेंगे। मैं यहाँ से ऊपर से इसको 6 इंची दूरी पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक सिलाई मार दूंगा जिससे ये हमारा एडजस्टेबल का रहेगा। तो यहाँ सिलाई कर लेते हैं पहले। ये हमारा एक साइड हो गया, ऐसे ही ये दूसरे साइड भी सिल लेंगे उसके ही सिद्धांत में बिल्कुल। ये ऐसा भी हमारे ये सिलने के बाद ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे हम इसको, अब समझने वाली बात है, यहाँ पे भी हमको कड़ी लगाना है पर इसके अंदर से डाल के लगाना है जिससे ये हमारा एडजस्टेबल रहे। अब ये जो बेल्ट है हमको इसके अंदर डालना है, पर इसको पहले एडजस्टेबल बनाने है तो इसके लिए पहले हमको ये डालना पड़ेगा इसके अंदर, ये ऐसा यहाँ से ऐसा डाल लेंगे हम। ये हमारा ऐसा बन गया। अब इसके अंदर डालेंगे इसको, ये यहाँ पे इसके अंदर गया। अब ये यहाँ से फिर अब हमको ये जो अंदर है इसके अंदर डाल के एक बार निकाल लेना है इसमें से डाल के। ये ऐसा हमारा इसके अंदर भी आ गया है, यहाँ पे ये देख सकते हैं इसके अंदर का। यहाँ पे अब हमको एक सिलाई मार लेना है, इसको ऐसी पलटी करके अंदर से मार लेंगे। ये हमारा सिल गया यहाँ पे, ये एडजस्टेबल बन गया एक साइड का, ऐसे ही दूसरे साइड का भी सिल लेते हैं जल्दी से। ये हमारा ऐसा बन गया है, ये यहाँ से एडजस्टेबल है, ये दोनों तरफ का देख सकते हैं। ये हमारा शोल्डर में पहनने के लिए रहेगा, ये बीच के लिए रहेगा, जो सपोर्ट रहेगा हमारा बैक को सपोर्ट देगा ये। अब मैं इसको पहन के देखता हूँ। इस बेल्ट को मैंने पहन के देखा तो हमको एक बीच में भी एक बेल्ट मारना पड़ेगा, ये जो है हम इसमें भी एक एक ऐसा 6 इंची की पट्टी लगा लेंगे, जहाँ पे हमने ये बक्कल सिले सेम उसकी सिद्धांत में लगा देंगे जिससे ये हमारा फैलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा ऐसा। यहाँ पे एक सिलाई मार लेते हम इस पे।
ये हमारा हो गया फाइनली तैयार। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी, आसानी से समझ आई होंगी। वीडियो को लेकर कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके सुझाव से वीडियो और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।